हाय दोस्तों, हर हर गंगे। उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव वीडियो फिर से लेके आ चुका हूँ और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि न्यू गाइडलाइन के साथ हरिद्वार रेलवे स्टेशन में क्या क्या चेंजिंग हुई है और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि श्रद्धालुओं को जो यात्री आ रहे हैं बाहर से उनको क्या क्या परेशानी हो सकती है या फिर परेशानी नहीं हो रही है या क्या यहाँ पे कोविड के जो गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के समस्त प्लेसों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आप मथुरा वृंदावन की वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पे तो जाके जरूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो है और यहाँ पे बताया गया है कि निधि वन में क्या क्या रहस्य है और क्या क्या चमत्कार वहाँ पे होते हैं। दोस्तों अगर आप हरिद्वार आना चाह रहे हैं और नरसन बॉर्डर से होके आना चाहते हैं तो आपको नरसन बॉर्डर की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे क्या चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों साथ साथ आप लोगों को मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन का वीडियो भी लाइव दिखा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप बाय कार आना चाहते हैं, बाय रोड बस से या फिर बाइक से या फिर कार से, तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं पे कोई चेकिंग ऐसी नहीं हो रही है, कहीं पे हरिद्वार के लिए खास तौर पे कोई परेशानी नहीं होगी। और रेलवे स्टेशन का भी आपको दिखाऊं लाइव दृश्य तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये आपको ये ब्रिज दिख रहा है, जब भीड़ ज़्यादा होती तो ब्रिज को बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता सभी लोग कोविड जाँच जहाँ पर होती वहाँ पर आ जाते हैं और जिनके पास कोविड की टेस्ट नहीं होती है वो कोविड की जाँच करवा लेते हैं और अगर जिनके पास दो डोज की सर्टिफिकेट होती है उनको कोविड की जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ब्रिज है, ब्रिज से डायरेक्ट हम बाहर आ सकते हैं लेकिन ये डोर कभी कभार बंद कर देते हैं और ये वाली डोर में कोविड की जांच होती है। तो अभी आप लोगों को मैं अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। ये 8:53 हो रहे हैं अभी और अभी आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पूरी तरह खाली है क्योंकि कभी कोई ट्रेन नहीं आई है। और अभी आपको दिखाता हूँ कोविड की जांच कहाँ पे हो रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोविड की जांच करने वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोविड की जांच होती है। ये तीनों डोर बंद कर देते हैं जब ट्रेन आती है तब, और अभी तो खैर खुला है ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आसानी से अगर आना चाहते हैं, सभी लोग इधर से आते हैं, जब हम बाहर की ओर आते हैं तो अगर ब्रिज को बंद कर दे तो ये रास्ता सबसे पहले पड़ता है और यहीं पे लोग जाके फंस जाते हैं क्योंकि मेन डोर यहाँ से थोड़ी दूर पड़ती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और अगर हम इस डोर पे चले जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोविड की जो जांच होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको ये रिपोर्ट तुरंत बता दिया जाता है। लेकिन जिसकी रिपोर्ट की हॉट कॉपी आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू आती है 1 घंटे के अंदर, और इस जो SMS को आप दिखा सकते हैं 72 घंटे के अंदर तक कहीं भी उत्तराखंड में, और आपको ये दिखाने के बाद कहीं भी आप यात्रा कर सकते हैं उत्तराखंड में, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। ऐसे आप रैपिड टेस्ट भी लेके आते हैं, जो न्यू गाइडलाइन है उसमें लिखा गया है कि अगर रैपिड टेस्ट लेके आते हैं तो 72 घंटे के अंदर का मान्य होगा, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। और RT-PCR लेके आते तो फिर वो तो खैर चलेगा ही चलेगा 72 घंटे के अंदर का। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत ऐसे नहीं होने वाली है, अगर आपके पास कोविड की जांच नहीं है तो यहाँ पे कोविड की जांच हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि अभी की जो नया गाइडलाइन आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, लेकिन ऐसा कोई सख्ती नहीं है, जो पहले था वही है, उसमें कोई रियायतें नहीं है, ना कोई वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोई गाइडलाइन में एक्स्ट्रा कोई सख्ती नहीं बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं मैं आसानी से बाहर आ गया हूं और आप लोगों को ये लाइव दृश्य दिखा रहा हूं, ऐसे की परेशानी नहीं होने वाली है अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो। दोस्तों मनसा देवी और माँ चंडी देवी के रोपवे अभी शुरू हो चुके हैं, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के पावन दर्शन करना चाहते हैं रोपवे के थ्रू, तो आपको दर्शन आसानी से हो जाएंगे, ऐसे कोई परेशानी उसमें भी नहीं होने वाली है।
दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ से टैक्सी की सर्विस भी आपको आसानी से मिल सकती है। जो रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं टैक्सी, वो ऐसे कम दामों में आपको उत्तराखंड की भ्रमण करवाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोगों कह रहे थे कि हमें आप टैक्सी की नंबर दे दें, तो आपको मेरा नंबर वीडियो में मिल जाएगा। मेरे नंबर में आप हेलो का SMS कर दीजिएगा, तो आपको टैक्सी का नंबर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। साथ साथ इंस्टाग्राम की भी ID मिल जाएंगी, चाहे तो आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए होगा तो भी आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन का व्यू आप देखें तो कुछ इस तरह से है। ये यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, और ये टैक्सी स्टैंड, जैसे कि मैं पहले बता रहा था आपको कि ये टैक्सी का स्टैंड है, और मेन डोर ये है। ये मेन डोर है, यहीं से ही हम अगर चाहें तो आसानी से निकल सकते हैं। और बादल आप देख सकते हैं, बादल छाई हुई है, बारिश होने की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, गर्मी है अभी। दोस्तों तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे,